हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बच्चों पूरा कर चुके हैं। कल कोई क्वेश्चन था क्या? कोई दिया हो मैंने ध्यान हो तो? कल तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना। चलिए ओके बेटे, लेट अस स्टार्ट योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर अब क्या लिखा हुआ, एक वर्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो वर्ड है वो रिलेटेड किससे है? लाइट से रिलेटेड है। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, 10th में आया होगा ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड है ये वर्ड। यानी इसका मतलब ये क्या बेटे, यहां पर ये जो आइसोमेरिज्म है ये भी लाइट से ही रिलेटेड है। कोई ना कोई इसमें लाइट का एक मेजर रोल होगा। ठीक है ओके। यानी बेटे अब हमने क्या कर दिया, वो सब्सटेंस, अब वो लाइट भी स्पेसिफिक है, उस लाइट का नाम हमारा है, एक स्पेसिफिक लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम रख दिया उस लाइट का हमने? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने यहां पर इन आइसोमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक जिनको आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल रहे हो, एक जिनको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोल रहे हो, बेस्ड अपॉन व्हाट? Their behavior towards plane polarized light. In compounds, they are classified into two categories. First क्या है? Optically active and second is optically inactive. अब क्या है बेटे definition की? Optically active वो substance है जो plane polarized light को rotate करते हैं। क्या करते हैं उसको? वो rotate करते हैं, उसकी direction रोटेट कर दिया, तो लाइट लेफ्ट में या राइट में। मान लो कोई लाइट सीधी जा रही, बिल्कुल सीधी जा रही, यदि उन्होंने उस लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर दिया या तो राइट में या लेफ्ट में, डेविएट कर दिया, रोटेट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उन सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर है ना? और जो सब्सटेंस इस लाइट की डायरेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं डाल रही, वो लाइट की डायरेक्शन एज सच रही, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्लियर? अब एक बार एक्सपेरिमेंट समझ लो क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या चीज है, क्या एक्सपेरिमेंट है हमारा, एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक लाइट ली, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जिस लाइट की सिंगल वेवलेंथ एंड डिफरेंट डायरेक्शन हो, जैसे हमारी ट्यूब जल रही है। अब इस ट्यूब में क्या है, डायरेक्शन हर कहीं है, पूरे कमरे में रोशनी है, पूरे कमरे में प्रकाश बन रहा है, तो इस ट्यूब की जो डायरेक्शन है या इसकी जो लाइट है अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऐसी लाइट को हम क्या नाम दे रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसकी सिंगल वेवलेंथ। क्लियर हुआ है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? हैविंग सिंगल वेवलेंथ बट बोलो डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ये मैंने लाइट ली, कभी ये इधर मुकर रही है, कभी ये इधर मुकर रही है, यानी हर डायरेक्शन में ये लाइट आपकी मुकर रही है। ओके क्या लिया है, ये समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इस लाइट को पास किया एक निकोल प्रिज्म से। इसका नाम है बच्चों निकोल प्रिज्म। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसको हम पोलराइजर भी बोल देते हैं। क्या फंक्शन है इसका? ये जितनी भी जो भी लाइट हम यूज कर रहे थे उसकी अलग अलग डायरेक्शन थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर साइड में वो लाइट मूव कर रही थी। अब क्या करेगा वो, सभी के सभी डायरेक्शन को कट ऑफ करके सिंगल डायरेक्शन में ले जाएगा, बिल्कुल ही सीधा, यानी सारी डायरेक्शन कट करके उसकी एक डायरेक्शन बना देगा। इसका फंक्शन ये है, समझिए आगे ये होगी बेटा, बस एक डायरेक्शन, सारी की सारी डायरेक्शन मर्ज होके एक डायरेक्शन में आ गई। किसका फंक्शन है वो? निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म का क्या फंक्शन हुआ? इट विल कट ऑफ ऑल डायरेक्शन एंड मर्ज इन टू अ सिंगल डायरेक्शन। बोलो अब इस लाइट का नाम है बच्चों PPL, दैट इज प्लेन
पोलराइज लाइट, इसका एक ही डायरेक्शन है, बोलो। अब हमने क्या किया है, फिर हमने इस लाइट को एक पोलरीमीटर ट्यूब ली, ये बेटे आपकी पोलरीमीटर ट्यूब, इसमें मैंने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा, कोई भी सब्सटेंस ले रखा जो मुझे चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाल रखा है। अब ये लाइट यहां से पास होगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे, चेक करके हम क्या पता कर लगाएंगे, क्या ये लाइट जो डायरेक्शन ये थी क्या ये वही रही, पहली चीज। यदि ऐसे ही डायरेक्शन है बिल्कुल सेम तो क्या कहोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे समझो, यदि डायरेक्शन चेंज हो गई, ये एंगल कोई ना कोई एंगल भी चेंज होगा जरूर, या तो वो राइट की तरफ आइदर लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, बात समझ में आ गई, ये जो लाइट की डायरेक्शन है बेटे, या तो कहां मुड़ देगा वो राइट की तरफ, या कहां मुड़ देगा वो लेफ्ट की तरफ, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। क्या इतना समझ में आ गया, ये हम ऑब्जर्व करते हैं दोबारा फिर निकोल प्रिज्म से, यहां से बेटे हम चेक करेंगे, ये ह्यूमन आई, ठीक है, यहां से हम चेक करेंगे, और ये कौन होता है, एनालाइजर बोलते हैं यहां, तो इसका नाम क्या देते हैं हम, एनालाइजर, एनालाइज की, क्या एनालाइज किया, डायरेक्शन किसकी, प्लेन पोलराइज लाइट की, कि वो अनडेविएट रही है, अनडेविएट का मतलब बिल्कुल सीधी की सीधी, यानी जो डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन वही रही, तो डैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेट कर दिया या राइट में या लेफ्ट में तो क्या बन गया वो सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ, एक्सपेरिमेंट क्लियर है, अभी समझ में आ गया कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होंगे, पक्का। अब सुनो बेटे, हमने ऑप्टिकली एक्टिव को दो कैटेगरी में बांट दिया, कैसे, अब यहां पर मैंने आपको बताया क्या दो कैटेगरी कौन कौन से बेटा, एक तो लाइट जो है वो कहां मुड़ी है, राइट डायरेक्शन की तरफ, और एक बार लाइट लेफ्ट की तरफ, तो दो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस और एक है बेटे लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो वो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ दे, ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ मोड़ देंगे, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब इसका किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेस्ट्रो को या तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, ज्यादा प्लस लिख दिया किसी सब्सटेंस के आगे, तो समझ लो क्या है, डेस्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, उसने लाइट को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया, या और स्मॉल डी से, माइंड इट स्मॉल डी, कैपिटल नहीं होना चाहिए बेटे, बताऊंगा क्या फर्क है, ऐसे ही लेवो को माइनस से शो करोगे और स्मॉल एल से, डेस्ट्रो क्या होते हैं लेवो क्या होते हैं, क्लियर हो गया, कोई डाउट बढ़े आगे, ठीक है। अब मैं क्या कह सकते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग चीज है, शायद आपने ग्लूकोज में पढ़ा हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आया था, आगे आएगा कराऊंगा, फिलहाल क्या ध्यान देना है आपको, कैपिटल डी और स्मॉल डी अलग हैं आइसोमेरिज्म के अंदर, ऐसे ही कैपिटल एल और स्मॉल एल अलग हैं, आप इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो गलत है बेटे, बढ़े सर। तो क्या पढ़ा अब तक हमने, दो टाइप के सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हुए, जिन्होंने प्लेन पोलराइज लाइट को बोलो डेविएट कर दिया, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, इसने राइट मोड़ा वो कौन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसने लेफ्ट मोड़ा वो कौन है, लेवो रोटेटरी, जिसने डेविएट नहीं किया, लाइट अनडेविएट रही जब उसके अंदर से पास की लाइट हमने, तो वो सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव।
यहां तक कोई डाउट हो माइंड में? बढ़े आगे, चलो अब आगे है बेटे। ये जो एंगल है बेटा किस किस बात पर डिपेंड करता है, जो ये भाई कितने एंगल पर रोटेट होगी वो लाइट, एंगल ऑफ जो रोटेशन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है बेटे? पहली, नेचर ऑफ सब्सटेंस। भाई आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है, पहली बात। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, ठीक है। थर्ड, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब आपने इस सब्सटेंस को, इसको सॉल्यूट मान लो, जब आपने उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो कंसेंट्रेशन क्या थी, ग्राम पर एंगल, ठीक है। किस में लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एंगल, ओके। बेटे आपने वेवलेंथ कैसे यूज की, ज्यादा वेवलेंथ है कम वेवलेंथ है। फिर टेम्परेचर क्या था एक्सपेरिमेंट करते वक्त। सिक्स, लेंथ क्या है, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब। तो इन छह फैक्टर पर आपका एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा। क्या क्या बताया हमने, नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूट मान लो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेवलेंथ क्या यूज कर रहे हो, टेम्परेचर क्या है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, एंड लास्ट जो मैंने यहां लास्ट में बनाई थी पोलेरीमीटर ट्यूब, इस पोलेरीमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी है। ऑब्वियसली ना बच्चों, लेंथ ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या है उसको ज्यादा टाइम लगेगा पास करने में, समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन यानी बेटे जब हमने कोई भी वर्ड जब स्पेसिफिक लिख दिया किसी पैरामीटर के आगे, एंगल ऑफ रोटेशन वो अलग चीज है। अब मैंने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक रोटेशन यानी कोई चीज हमने स्पेसिफाई कर दी। क्या स्पेसिफाई की, सबसे पहले लेंथ जो है इसकी पोलेरीमीटर ट्यूब की वो स्पेसिफाई कर दी बेटे, कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी या 1 डेसीमीटर होगी, फिक्स कर दिया हमने अपनी तरफ से। सेकंड, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, कितना कर दिया बोलो, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या फिक्स किया, टेम्परेचर 25 ले लिया हमने और सेकंडली लेंथ। फिर थर्ड हमने की कंसंट्रेशन, कि भाई जो कंसंट्रेशन है ना वो 1 ग्राम पर एमएल ही लेंगे। जब भी किसी का एंगल ऑफ रोटेशन निकालना हो मुझे, मैं क्या लूंगा, 1 ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 एमएल, क्लियर ना। फोर्थ, वेवलेंथ भी फिक्स कर दी, ठीक है, 589 नैनोमीटर, ये डी लाइन ऑफ सोडियम। ये चार पैरामीटर जो हमने लिए थे, डिस्कस किए थे, ये चार हमने अपनी तरफ से क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, भाई इनको हम चेंज नहीं करेंगे। अब जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा उस एंगल ऑफ रोटेशन का नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक रोटेशन, बोलो क्लियर है। तो किसके बराबर होगा बेटे, थीटा अपॉन एल इंटू सी, ये बेटे आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला किसका है, स्पेसिफिक रोटेशन। कर पाओगे, चले आगे। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है बड़ा आसान टॉपिक है यदि समझोगे तो, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हर रिएक्शन में एंट्री मारेगी, या तो एंट्री करती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या एंट्री मारती है आपकी कौन सी, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से करना इसको, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या आया भाई, कोई सब्सटेंस, अभी जो बात बता रहा हूं ध्यान से समझिए,
कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे पता लगाएंगे भाई हम? अब ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता लगाएंगे ना भाई। अभी तक तो मैंने यही बताया है कि एक्सपेरिमेंट करो, मोनोक्रोमेटिक लाइट लो, निकोल प्रिज्म से पास करो, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, उसको फिर पोलरीमीटर ट्यूब से पास करो, फिर चेक करो वो लाइट डेविट हुई है या नहीं हुई है। जहां होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं हुई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर तो बेटे ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो गया, टफ टास्क हो गया कि हर सब्सटेंस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें। मुझे ये बताना होगा ये सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ा दूं बेटा, लो चेक करो, बताओगे क्या है। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो हर सब्सटेंस को तो बेटा बहुत बड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा हर एक का यूज करने लगे तो। अब हमारे पास क्या आ गया कि कोई सब्सटेंस आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है हम उसका स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं। कितना आसान हो गया बात समझ में? मैंने क्या कहा, वी कैन प्रिडिक्ट, किसको देख ले, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उस स्ट्रक्चर में कुछ बातें हैं वो हम बताएंगे भाई, यदि ये प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, यदि ये नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ बातें हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, पर इतना तो आसान हो गया ना हमें कि सब्सटेंस पकड़ा दिया भाई, बताओ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आपको क्या देखना है उसका, सिर्फ स्ट्रक्चर्स और कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, यदि वो फॉलो कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कितना आसान हो गया, एक मिनट में बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं बताओ। पर यदि आपको ये कहे कि ये कंपाउंड बताओ डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेबोरेटरी है, आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं। यानी डेक्स्ट्रो और लैबो बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बेटे, और कोई भी चारा नहीं। पर ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सिर्फ किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखते, बस आसान हो जाएगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? yes, बड़े आके ठीक है चलो। अब क्या कह रहे हैं बेटे हम, ऑप्टिकली कोई कंपाउंड आपका, अब एक टर्म बन गई ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको बोलेंगे, जिसने जिस सब्सटेंस ने लाइट की डायरेक्शन को डेविएट किया था उसको क्या नाम दिया था आपने, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी अब, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बस क्लियर ना? ओके तो आप सुनो बेटे मेन पॉइंट कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या उसमें कंडीशंस लगाएं हम, ताकि उसका स्ट्रक्चर देख के हम बता पाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो क्या देखना है, कंपाउंड जो है वो एसिमेट्रिक होना चाहिए बेटे। क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड इट मस्ट बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, ऑन देयर मिरर इमेज। अब वो लाइन आपको समझनी है, क्या लिखी है, जो कायरल्टी वर्ड निकला ना बेटे, एक वर्ड आया ना कायरल्टी, यानी कंपाउंड मस्ट बी कायरल। अब ये समझना है, कायरल्टी एक नया वर्ड आया अपना, इसका नाम होता है बेटे हैंडेडनेस। इसका मीनिंग है हैंडेडनेस। क्या मतलब है भाई, जैसे मान लो ये बेटे मैंने एक हाथ बना दिया, ठीक है बढ़िया बन गया, ठीक है बता दियो भाई। देखो ड्राइंग थोड़ी सी अपनी वीक है, पर फिर भी अंगूठा है,
और ये चार उंगली है, क्लियर है ना। अब ये बताओ, इसके सामने जब आपने ये मिरर रखा तो ये जो सबसे छोटी उंगली इसको बोलते हैं वो इधर दिखेगी ना, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा भैया? अब ठीक है, बढ़िया बढ़िया ओके चलो यार, कोई बात थोड़ा बहुत हो जाता है बेटे। समझना क्या है भाई, ये अंगूठा इस साइड है तो ये अंगूठा इस साइड है। अब सुनो, हाइपोथेटिकली मान लो, समझो इस अपने हाथ को ए मैंने यू रखा, मान लो ये था मेरा हाथ। अब बेटे मैं इसको यदि मिरर के आगे रखूं तो ये उंगली इधर दिखेगी ना। अब मैंने इसको उठाया, क्या इसके ऊपर फिट बैठ गया? नो। क्यों? अंगूठे के ऊपर कौन आई? ये उंगली आई। और इस उंगली के ऊपर कौन आया? ये अंगूठा आया। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। बताओ। जो सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठ गया तो उसको क्या बोलोगे? सुपर इम्पोजिबल। जो एग्जैक्टली फिट नहीं बैठा अपनी मिरर इमेज पे वो नॉन सुपर इम्पोज। बस आसान है, ओके बताओ। चले जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं और लेता हूं बेटे, चिंता ना करो, समझो इसको। भाई मैंने ए ले लिया लेटर, ऐसे दिखेगा भाई, तो उठाई उसको, इसको पर फिट बैठ गया तो ये इसको क्या कहोगे? सुपर इम्पोजिबल। अब किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में ये नहीं होना चाहिए, बस आसान है, ठीक है। अच्छा बेटे ये पी रखा, कैसे बनेगा? नहीं दिखेगा तो उठाइयो, फिट हो गया नहीं हुआ भाई? क्यों? यू रखना पड़ेगा, हमने फिट तो नहीं हुआ, तो ये भी ये क्या कहलाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। आ गया समझ में? ठीक है, आप ये देखा कैसे देखेगा? अब ये देखेगा, ये भी क्या है? तो क्लियर हो गया कि नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होगा? बढ़िया गया, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे हम कंडीशंस पर आगे बढ़ते चलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। सबसे पहला बेटे यहां पर आ गया कायल कार, या कायल सेंटर बोल लो, और सिंपल बोल देते हैं बेटे कायल कार्बन। कायल कार्बन में इसलिए कह रहा हूं, 90% हमारे, मोर देन 90% हमारे कंपाउंड कैसे हैं जिसमें कार्बन है। वैसे और भी होते हैं, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, सिलिकन भी, जर्मेनियम भी, फॉस्फोरस भी, काफी सारे हैं, पर मोर देन 90% एग्जाम्पल किसके हैं? कार्बन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चलता है बेटे? कार्बन है, तो कार्बन, इसलिए हमने क्या बोल दिया? कायल कार्बन, या सिंपली कायल सेंटर। अब कायल सेंटर क्या है, कायल कार्बन क्या है बेटे? ऐसा कार्बन या ऐसा एटम जिसके साथ चार डिफरेंट एटम हो और ग्रुप ऑफ एटम्स हो। बताओ, बड़ा आसान है। yes, सबसे पहले टाइप क्वेश्चन ये आगे बैठे आपने, स्टार्ट हो जाओ। क्या क्वेश्चन दे दिया जाएगा? भाई इन चारों में से किस में कायल सेंटर है, किस में नहीं? सेकेंडली, या कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, ये पूछ लेते हैं इसमें कितने कायल कार्बन है, कि एक है, दो है, तीन, सिंपल है, ठीक है। तो कायल कार्बन किसको कहेंगे? ये कार्बन रख लिया मैंने, ए बी सी डी, दिस इज नॉट कार्बन, वैसे लिख दे, हो सकता है कोई जरूरत नहीं। ये चारों ग्रुप क्या हो गया आपके ऊपर? डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? कायल कार्बन कहलाएगा। बोलो स्टार्ट। एक और ध्यान रखना, यदि लॉन पेयर है कहीं, यदि कहीं लॉन पेयर है तो वो उसको भी हम फोर्थ ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। क्या कह, यदि लॉन पेयर को भी आप एक ग्रुप की तरह ही ट्रीट करोगे, बस ये समझो, क्लियर हुआ है? yes, चलो सबसे पहले बेटे बताओ भाई, 1-क्लोरोब्यूटेन और 2-क्लोरोब्यूटेन में से किस में कायल कार्बन है? 1-क्लोरोब्यूटेन एंड 2-क्लोरोब्यूटेन,
ये है बेटे आपका 1-chloro-butane। देखो इधर देखो ध्यान दो, ये कार्बन H H नहीं, क्या कंडीशन, चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ये दो क्या आ गए, सेम, तो नहीं है भाई, यहां पर दोनों सेम सेम सेम, यानी 1-chloro-butane इज नॉट, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे इसकी बात थोड़ी सा लेट करेंगे, पर फिलहाल मैं बता रहा हूं बेटे, फिलहाल कि आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा बस इतने हैं कि काइल कार्बन है नहीं, वो कल बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। फिलहाल क्या समझ लो, ये बताओ क्या इसके पास काइल कार्बन है, बस फिलहाल आज का काम इतना है फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, 2-chloro-butane, बोलो, वाई एच सी एल सी एस थ्री सी टू एस फाइव। अब ये ग्रुप जो इधर बच गया और ये ग्रुप इधर बच गया वो अलग अलग हैं, इनको अब अलग, आपने क्या देखा, कार्बन इधर भी कार्बन, पूरा जो रेस्ट बच गया वो चेक करना कितना है बचा, उस कितना लंबा, उससे कोई मतलब नहीं, और जो इतना बच गया, जैसे मैंने दे दिया 3-chloro-pentane, 3-chloro-pentane, अब क्या करेंगे बेटे आप, एक दो नहीं, ये और ये क्या आ गए, सेम काइल सेंटर, नहीं है, मुश्किल है, नो सर, ठीक है। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल बनाए थे मैंने कल, देखो कराता हूं बेटे, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे ये जाइए डैश है बच्चों, यहां पर क्या है, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन, बोलो काइल कार्बन लग रहा है, कैसे, ये कार्बन है, ये नहीं है और तो है ही नहीं, एच सी एल, देखो ध्यान से, यहां इधर क्लोरीन जुड़ा और इसमें इधर क्लोरीन है, ये और ये ग्रुप बेटे सेम नहीं है, दे आर नॉट योर सेम ग्रुप, हालांकि कार्बन एटम सी एल हाइड्रोजन वो सारे सेम है, पर ग्रुप क्या हो गया, चेंज, नहीं समझे, बोलो बोलो सर, इसमें सेकंड भी है, सेकंड भी है कार्बन, सेकंड, हाँ सर, हाँ ये भी है, कौन मना कर रहा है, लो दो हो गए, बात ये है ना बेटे कि मुझे समझाना था, ये भी है भाई, एक एच है, एक सी एल है, एक सी एच थ्री होगा और बाकी सारा होगा, ये भी है, मेन आपको ये समझाना था मुझे, इसमें कंफ्यूजन में नहीं होना है कि सर सी टू एच फोर सी एल सी टू एच फोर, इनकी पोजिशन देखो अलग अलग है, hence ये भी क्या होगा, जैसे मैं आपको ये लिख दूं, मैं तुमसे पूछूं सिंपलेस्ट एल्केन कौन सी होगी जो जिसमें काइल कार्बन होगा, सिंपलेस्ट एल्केन क्या करोगे, कार्बन एच, एक कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, बोलो, और यहां कितने कार्बन, तीन, भाई सबसे छोटी तो यही होगी ना, बताओ, इट इज द स्मॉलेस्ट व्हाट एल्केन या सिंपलेस्ट एल्केन, एक और ऑप्शन नहीं हो सकता क्या, क्या मैं ऐसे कर देता, क्या ये और ये सेम है, नहीं भाई, तो मुझे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, 3-methyl hexane, ये क्या है, बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3-methyl pentane, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो ये क्या है बेटे, आपके सिंपलेस्ट एल्केन्स हैं जो क्या शो करते हैं, या जिनके पास क्या है, काइल कार्बन, ऐसे ही आपसे पूछ ले सिंपलेस्ट एल्कीन बताओ क्या करोगे, बस एक ही ऑप्शन है, क्या करोगे, डबल बॉन्ड ले आओ,
हाँ भाई yes, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, एक कैंसिल कर दो, एक सी एच थ्री कर दो, एक तरफ सी टू एच फाइव, तरफ डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। क्या नाम हुआ? 1 2 3 4 5 थ्री मिथाइल पेंट वन ई। यदि आपसे पूछ ले सिंपलेस्ट एल्काइन तो क्या कर दो, उठा के ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये भी क्या हो गया, थ्री मिथाइल पेंट वन नाइन हो गया। बोलो क्लियर है? बढ़िया आदि। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं बेटे इन पर बोर्ड पर, फटाफट बताना है काइल सेंटर कौन सा है। ठीक है चलो शाबाश, वजह शुरू। यू हैव टू फाइंड आउट कितने हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश, गो फास्ट। पहले में है कोई? नो सर। नहीं, देखो बी आर एच आगे बढ़ो, सी एच टू सी, ये दो क्या हो गए सेम, देयर इज नो कॉइल कार्बन। अगले में चलो, है कोई? यस सर। इसको देखो एच सी एल आज उधर, यहां कौन है? सी एच सी एल, अब ये थर्ड ग्रुप माना जाएगा। यहां कौन है? सी एच टू, ये कौन माना जाएगा? फोर्थ ग्रुप। चारों के चारों क्या है? डिफरेंट। ये भी है? नहीं समझे? अब इसमें कोई नहीं, सी के साथ दो एच, सी के साथ दो एच, सी के साथ दो एच, सी के साथ दो, सी नहीं है भाई। बोलो मुश्किल है? यहां पर सेम आ गया, वही कोई जरूरत नहीं करने की। अब इसमें सेम वही आ गया, ठीक है, क्या एक कार्बन होगा? नहीं, ये यस एच बी आर, इधर ये ग्रुप, इधर देखो हो गया ना ग्रुप अलग, इसको छोड़ दो, हमने इसको देखना है डायरेक्ट, ये जुड़ा डायरेक्ट, ये जुड़ा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, तो क्या हुआ बोलो? दिस इज काइल कार्बन। अब यहां आ जाओ, क्या ये काइल कार्बन है? नो सर। बोलो नो। वाई बी आर एच सी एच बी आर, यहां बी सी एच बी आर, दिस इज नॉट काइल कार्बन। क्या ये है? यस सर। बोलो यस सर। एच बी आर इधर कौन? सी एच टू। इधर कौन? सी ए। तो ये है Having how many? Two. Two बेटे, two. Two काइल कार्बन। बोलो करोगे? नहीं आ समझ में? सिंपल बात है, क्या देखनी बेटे आपको, चार ग्रुप है वो क्या होने चाहिए डिफरेंट। ठीक है चलो करो, शाबाश। करो शाबाश करो। क्या पहले में है कोई? नो सर। नहीं है। अब इसमें है कोई? देखो इधर, यहां एच सी एस थ्री, इधर सी एस टू, यहां कौन है? सी एच, सी एस टू नहीं है, सी एच, यानी ये क्या हुआ? काइल कार्बन। आज इधर आना, देखना है इधर क्या ये होगा, क्या है एच, इधर ये ग्रुप, नीचे सी एच, इधर सी एच टू, ये कौन है? सी एच टू। बोलो सी एच टू, सी एच टू। तो चार ग्रुप क्या हो गए? अलग अलग। तो ये भी कौन सा हुआ? काइल कार्बन हुआ। ऐसे ही इसको भी करोगे क्या? ये वाला भी नहीं बेटे, एक ठीक है, अब इसके साथ सी एच। अब सुनो ध्यान से, सी एस टू, सी एस टू आगे बढ़ो, इसको कंपेयर नहीं कर पाए, आगे देखो सी एस टू, सी एस टू छोड़ दो, सी एस टू, सी एस टू छोड़ दो, देखो इधर यहां कौन है?
CH3 यहाँ कौन है CH3 नहीं आया समझ में? आगे बढ़ते चलो, जहां डिफरेंस नजर आ जाए समझ लो खैर ले, अदरवाइज नहीं है बस मुश्किल है बड़े आगे। तो इस तरह के मैं आपको चार एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई करो फटाफट। आपको यह बताना है कि कितने कायल कार्बन है। शाबाश, ये आपको देख रहे हो करेंगे। आ जाओ पहले देखो, हाउ मेनी फॉसिल टू कैसे, एक तो यही हो गया बोलो एच सी एस थ्री एच और इधर कौन है सी एस टू, यहां कौन है सी एच। तो दिस इज क्या ये होगा, नो सर बोलो नो वाई H इधर कौन है CH CH3 ये नहीं, और आगे भी सारा सेम ही है बोलो। ओके क्या ये है, है भाई H CH3 फोर्थ ग्रुप CH2 और एक ये बचा CH। तो हाउ मेनी देर आर टू कायल कार्बन, चलो फाइंड आउट करो थ्री। शाबाश, एक तो जिसके ऊपर सी एस थ्री ना खुद देख लिया था फटाफट, सबसे पहले उसको ट्राई किया था और भी बड़े बात तो क्या इसको देखोगे भाई, ये तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, इनको देखना ही नहीं है, क्यों नहीं देखना, दो क्या है एच है बोलो इनको। तो अब यहां देखो सी एच सी एस थ्री सी एस टू ये क्या है सी एच, तो ये है इसको देखो सी एच, यहां कौन है सी एस टू, यहां कौन है CH CH3, या कौन है CH यानी ये है, नहीं समझे yes, क्या ये है yes, sir. बोलो यस yes, yes. क्या नीचे वाला बन सकता है no, yes. Yes, क्यों इधर CH2 CH2 आगे बढ़ो CH2 CH2 आगे बढ़ो CH3 यहां खाली क्या है CH2 और ये क्या क्या जुड़ गया ये CH, तो ये भी क्या है कार्बन है, बताओ yes, sir. आया समझ में yes, yes, चलेंगे। तो फाइंड आउट करो अब इसमें कितने हैं, वन टू थ्री फोर, चलो इसमें कितने हैं वन टू, क्या ये बनेगा यस, चलो देखना किसको है बेटे, जो नहीं है उनकी तरफ तो नजर ही करनी, जहां पर तुम्हें पॉसिबिलिटी बस ये चार नहीं देख लो भाई है कि नहीं बस खत्म चले। अब ऐसे ही आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आया था पढ़ा हुआ ना बायो में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या था बेटे फॉर्मूला सी एच ओ, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने याद करने का ऐसे यानी OH OH CH2OH HHH ये आपका क्या है ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज इसको आप बोलते हो, स्मॉल डी नहीं क्या कैसा कैपिटल डी। हाउ मेनी कायल कार्बन, वन एक दो तीन और ये पूरा चौथा ग्रुप, ऐसे ही सेकेंड एच ओ एच बोलो तो कितने हो गए टोटल, देर आर फोर कायल कार्बन इन ओपन चेन ग्लूकोज। बोलो yes, sir. साइक्लिक बनाना आता है आपको इसका yes, sir. ध्यान हो तो ये बायो कर रखा है आपने yes, सबसे ऊपर कौन जाता है CH2OH फिर HOH HOH ये आपका फॉर्मूला है, ये साइक्लिक ग्लूकोज है
आगे ट्वेल्थ में आएगा डिटेल में, वैसे तो केमिस्ट्री में ही ट्वेल्थ में करेंगे। अब देखो क्या ये अलग है, एच ओ एच और ये ओ यानी यस, ऐसे क्या ये है, बोलो बोलो, एक दो सी एच ओ एच सी एच ओ, पर यहां क्या है ओ इधर, तो ये भी है। जब जस्ट जो अटैच है यदि वो कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो क्या बताया मैंने, आगे बढ़ो साइक्लिक में आगे बढ़ना, ठीक है। इसके लिए एक दो बेटे ये ग्रुप और ये ग्रुप तो क्या हो गए दोनों सेम, पर ये और फिर ये क्या हो गए अलग, hence this is also cyclic, this is sorry कायल, ये भी और ये भी, इसमें कितने मिलेंगे, पांच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक में पांच कायल कार्बन है और पंचेन में चार है। ऐसे ही फ्रुक्टोज ओपन चेन, यदि आप फ्रुक्टोज देखते हो उसका स्ट्रक्चर था CH2OH। मैंने ये बताया था आपको कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है सारा का सारा ग्लूकोज वाला है, रट्टा नहीं वाला है। तो एक दो तीन, कितने हुए तीन, किसमें ओपन चेन फ्रुक्टोज में देर आर थ्री काइल कार्बन, एंड साइक्लिक फ्रुक्टोज में कितने हो जाएंगे चार। जैसे एक बढ़ गया ना यहां, ऐसे ही उसमें भी एक बढ़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। बोलो कोई डाउट हो तो, आ रहा समझ में, ठीक है। अब मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटे जहां पर मैंने अभी क्या बताया, कार्बन जरूरी नहीं है कि हमेशा कायल कार्बन ही हो, और कोई सेंटर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हाँ एक उससे पहले ये देखो ClClHCl3 35-37, ये भी क्या है काइल कार्बन है, क्योंकि आइसोटोप आ गई, ये अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। मान लो इस तरह कर देता मैं CH3HDT, तो ये भी कौन है काइल कार्बन होगा, एच अलग है डी अलग है और टी अलग है, बोलो, ठीक है। अब जैसे बेटे नाइट्रोजन ले लिया मैंने CH3 C2H5 C3H7, तो ये नाइट्रोजन भी क्या कहलाएगा काइल सेंटर कहलाएगा, हालांकि काइल कार्बन नहीं पर क्या ही काइल सेंटर है, बोलो मुश्किल है, ठीक है। ओके, जैसे बेटे और मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, यूं बताओ इसमें रट्टा मारोगे क्या, क्या देखना है जो चारों ग्रुप हैं वो क्या हो अलग अलग हो, बस एक फंडा बेटे। कितने एग्जांपल लिखवाओगे बताओ, एक बार लाखों करोड़ों एग्जांपल हर एक को याद करोगे, चेक करोगे ना कि क्या वो चार ग्रुप अलग है यार से, बस कर, ठीक है। जैसे हाँ जी फॉस्फोर का एग्जांपल दे दिया है, ऐसे ही बेटे सल्फर का एग्जांपल भी आ सकता है, जैसे ये आ गया बेटे CH3 है C2H5 है C3H7 है, ये मैंने इसलिए दिया यहां पर क्या है फोर्थ लोन पेयर, लोन पेयर भी एज अ फोर्थ ग्रुप ट्रीट करोगे तो ये भी कैसा है काइल सेंटर है, ठीक है। चलिए अच्छा इसमें बताओ, मैं तीन कंपाउंड ले रहा हूं और चलिए HBrO, BrHO, ठीक है। HBrO इसमें बताओ मुझे, पहले में है नहीं, दो नहीं, क्यों HBr आगे बढ़े CO CO, पर आगे देखो CH2 CH2 क्लियर है एक। अब इसको इसमें ले या इसमें ले, किसी में ना लो, चाहे आज कुछ भी हो चाहे CL हो चाहे BR, उससे कोई मतलब नहीं, जो कॉमन आ जाए उस पर हाथ रख लो, उसको नहीं दिखना है। यदि यहां पर ये हो जाता, यहां पर हो जाता मान लो CL, तो अब क्या हो जाता है ये कार्बन काइल हो जाता, क्यों हो जाता भाई,
एच बी आर, ये ग्रुप, ये ग्रुप, यहाँ कौन था सी एस टू, यहाँ कौन है सी एच बोलो सी एल, तो क्या हो गया डिफरेंट ग्रुप, हेंस ये क्या बन जाता है काइल कार्बन बन जाता है, नहीं ऐसा नहीं सर, क्या इसमें है यस यस, क्यों एच बी आर ये और ये कौन है CH2, दिस इज योर काइल कार्बन, आगे बढ़ना ही नहीं, आगे क्यों देखें, ठीक है एक एग्जांपल और लूंगा मैं, CH2 इस पे आगे बढ़ना, क्या है इसमें ठीक है बेटे, ऐसे दिया हो एच बी आर सी एल सी एल, क्या इसमें काइल कार्बन है यस सर, यस क्यों एच बी आर, यहां देखो कौन है सी एस टू, क्या कौन है CH2, पहले पता लग गया कर पाएंगे yes, तो आज के लेक्चर में क्या किया ऑप्टिकल डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिव की और इनएक्टिव की, जिसने पीपीएल को मोड़ दिया डाइवर्ट कर दिया वो कौन है ऑप्टिकल एक्टिव है, जिसने नहीं किया वो कौन है ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर डेक्स्ट्रो जो राइट की तरफ मोड़ेगा लेबो जो लेफ्ट की तरफ, स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन की फॉर्मूला किया, फिर किस पे आए हम ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है किसे देखेंगे स्ट्रक्चर से, बताया था मैंने अभी पर डेस्ट्रो है लेवल वो किसे करेंगे एक्सपेरिमेंट से, लास्ट पॉइंट किस पे आए काइल कार्बन पर, जिसके पास चार डिफरेंट अलग ग्रुप्स हैं वो क्या है काइल कार्बन, तीन चार एक मिनट में सारे रिवाइज हो गए, ज्यादा करवाए कर पाओगे ठीक है ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में आज इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके, ओके बेटे थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू बेटे।